Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have yes, any ma'am. problem regarding yesterday's topic, you can ask me. Yes, ma'am. No, ma'am, no problem. No, ma'am. Okay, productive investment in these sensors grew steadily only after 1820. As did levels of productivity. अब productive investment जो है वो बढ़ रहा था धीरे धीरे 1820 के बाद में और productivity भी बढ़ रही थी. The cotton and iron and engineering industries had accounted for less than half of the industrial output until the 1840s. Cotton, iron और engineering industries जो है वो half of the industrial output जो है उसका 1840s तक जो है कम हो गया था. टेक्निकल प्रोग्रेस वॉज नॉट लिमिटेड टू दीज ब्रांचेस. टेक्निकल प्रोग्रेस जो हो रही थी वो इन ब्रांचेस तक ही सीमित नहीं थी बट वॉज विजिबल इन अदर ब्रांचेस टू. अब टेक्निकल प्रोग्रेस बाकी ब्रांचेस के अंदर भी देखने को मिल रही थी, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग हो या पॉटरी हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे लोग बाग और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था और उनके यहाँ एडवांसमेंट भी आ रहा था. In searching for an answer as to why British growth may have been faster after 1850 than before, historians have pointed to the fact that from the 1760s to 1815, Britain tried to do two things simultaneously, to industrialize and to fight wars in Europe, North America and India, and it may possibly have failed with one. Ab कहा जाता है, कोशिश ढूंढी जाती है एक आंसर के लिए कि ब्रिटिशर्स जो है उनकी ग्रोथ क्यों हुई बहुत ज्यादा, एकदम अच्छे लेवल पे क्यों हुई 1815 के पहले. 1815 से पहले जो नहीं हुई थी उसके बाद में 1850 के बाद में इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों हुई. हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया है एक फैक्ट पे कि 1760 से 1850 के अंदर ब्रिटिशर्स जो है वो दो चीजें एक साथ कर रहे थे. पहला तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे थे और वो लगातार वॉर्स भी लड़ रहे थे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया से. और इट मे पॉसिबली हैव फेल्ड विद वन, और हो सकता है कि वो एक चीज में कहीं ना कहीं फेल हो गए हों. Britain was at wars for 36 out of 60 years. Britain ne 36 years tak ladai ladi hai total 60 years ke andar. From 1760 se capital that was borrowed was used to fight the wars rather than invested. Aur jo capital amount hota tha wo istemal kiya jata tha, jo udhar pe paisa liya jata tha wo istemal kiya jata tha ladaiyan ladne ke liye bajaye investment ke. As much as 35% of the cost of the war was met by the taxing people's income. और देखा जाए तो करीबन जो लोगों की तनख्वाह होती थी, जो सैलरी होती थी, जो उनकी इनकम होती थी, उसका 35% जो है वो कहाँ चला जाता था, लड़ाई लड़ने की कॉस्ट में, मतलब वॉर जो हो रहा है उसके खर्चे में चला जाता था. वर्कर्स वर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ फैक्ट्रीज एंड फार्म्स टू द आर्मी, और वर्कर्स को ट्रांसफर किया गया फैक्ट्रीज और फार्म से निकाल करके आर्मी में. Food prices rose so sharply that the poor had little money left for buying consumer goods. Food prices इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि गरीब लोगों के पास में बहुत कम पैसे बचते थे कि वो अपनी basic necessities का जो सामान है वो भी खरीद पाए. Napoleon's policies of blockade and the British reactions to them closed the European continent and the destination for more than half of British exports to British traders. अब जो Napoleon policies थी blockade की और जो ब्रिटिशर्स ने उस पर रिएक्शन दिया था, उससे यूरोपियन कॉन्टिनेंट बंद हो गया था व्यापार के लिए और जो इनकी मंजिल हुआ करती थी, आधे से ज्यादा ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स जो थे वो वापस से कहाँ आ गए थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स की तरफ ही आ गए थे. द वर्ड इंडस्ट्रियल यूज विद द वर्ड रेवोल्यूशन इज टू लिमिटेड. जो शब्द है इंडस्ट्रियल उसका इस्तेमाल करना रेवोल्यूशन के साथ में वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि वो पूरी तरीके से सही नहीं जाता है. The transformation extended beyond the economic or industrial sphere and into society and gave prominence to two classes. Transformation जो है वो इनकी economic और industrial sphere से बहुत ज्यादा आगे तक गया है, इनकी society तक गया है और इन्होंने बहुत ज्यादा prominent काम हुआ है दो classes के अंदर, the bourgeoisie and the new class of proletarian laborers in towns and the countryside. दो जो क्लासेस हैं उनको बहुत फायदा हुआ था, उनके लिए काफी प्रोमिनेंट चीज रही थी ये. अब वो क्लासेस कौन सी थी, एक तो थी बर्ग्योजी
और दूसरी थी प्रोलिटेरियन लेबरर्स जो थी टाउन्स के अंदर जो लोग रहते थे या कंट्री साइड में जो लोग रहते थे उनके लिए काफी ठीक था. In 1851, visitors thronged the great exhibition at the specially constructed Crystal Palace in London to view the achievements of British industry. 1851 के अंदर visitors ने कहाँ पे एक exhibition लगाई गई थी, specially कहाँ लगाई गई थी वो Crystal Palace जो है London का, वहाँ पे लगाई गई थी जहाँ पे achievements जो है British industry की वो सजाई गई थी, वो exhibition में रखी गई थी दिखाने के लिए कि Britishers ने कितना ज़्यादा technically advancement किया है. At that time, half the population was living in town. उस समय तक आधे से ज्यादा जनता जो है वो शहरों में रह रही थी. But of the workers in towns, as many as were in the handicrafts units as in factories. लेकिन जितने workers town में थे उससे ही ज्यादा लोग जो है वो handicraft units जो है लगाई जा रही थी factories के अंदर भी. From the 1850s, the proportion of people living in urban areas went up dramatically, and most of these workers and most of these were workers in industry and the working class. अब क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है किसी भी देश के अंदर या टेक्निकल एडवांसमेंट होता है और वहां पर ग्रोथ हो रही होती है तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ना बहुत ही कॉमन चीज देखी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ. जब यहाँ पर इतना एडवांसमेंट हुआ कि ये अपनी एग्जीबिशन लगा रहे थे अपनी इंडस्ट्री में कितना इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल कर लिया उस चीज की, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगी, उसका प्रोपोर्शन जो है वो ड्रामेटिक तरीके से ड्रास्टिक तरीके से चेंज हुआ. और बेसिकली जो वर्कर्स थे इंडस्ट्री में वही उसी वर्किंग क्लास के अंदर ही चेंज हुआ. ओनली 20% ऑफ द ब्रिटेन्स वर्कफोर्स नाउ लिव्ड इन रूरल एरियाज. अब सिर्फ 20% लोग जो है ब्रिटेन के वो रहते थे रूरल एरियाज में. दिस वॉज अ फार मोर रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देन हैड बीन विटनेस्ड इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. और ये अभी तक का सबसे रैपिड रेट हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हुई थी. इन हिज डिटेल्ड स्टडी ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री द हिस्टोरियन ए ई मसन हैव सजेस्टेड दैट व्हाट दैट दीज देयर आर गुड ग्राउंड्स फॉर रिगार्डिंग द पीरियड 1850 एंड 1914 एज दैट इन विच द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रियली अकर्ड ऑन अ मैसिव स्केल ट्रांसफॉर्मिंग द होल कंट्री एंड सोसाइटी मच मोर वाइडली एंड डीपली देन द अर्ली चेंजेस हैड डन. अब ये जो हिस्टोरियन है ए ई मसन, उन्होंने अपनी डिटेल स्टडी में कहा है जो ब्रिटिश इंडस्ट्री की, उन्होंने डिटेल इंडस्ट्री की स्टडी करी, उसमें कहा है कि There are good grounds for regarding the period. अच्छे चीजें हैं इस पीरियड को बताने के लिए 1850 से 1940, ठीक है, जिसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह जो अकर हुई थी, यानी कि जो चीज हुई थी उसको कह सकते हो, जो बहुत बड़े स्केल पे हुई थी जिसमें पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दिया, सोसाइटी को चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा लेवल तक किया जितना कि पहले नहीं किया गया था. यानी कि बेसिकली जो अपन ने पढ़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद में जो चीजें हुई हैं उसको कहा जा रहा है कि ये बहुत जो पहले चेंजेस आए थे वो इतने डीप और इतने वाइड नहीं थे जितने कि इसमें आए थे. ठीक है, यहाँ पे ये एग्जीबिशन का एक आपको फिगर दिया गया है. द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 डिस्प्लेड द वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस पर्टिकुलरली द स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटेन. इट वाज हेल्ड इन लंदन्स हाइड पार्क इन द क्रिस्टल पैलेस मेड ऑफ ग्लास पेन्स सेट इन आयरन कॉलम्स मैन्युफैक्चर्ड इन बर्मिंघम. अब ये जो एग्जीबिशन उन्होंने लगाई थी यहाँ पे सारे नेशंस का जो चीजें थी वो रखी गई थी, पर्टिकुलरली जो ब्रिटेन की प्रोग्रेस हुई थी उसको दर्शाने के लिए थी. ये लंदन के हाइड पार्क के अंदर क्रिस्टल पैलेस में लगाया गया था जो बनाया गया था ग्लास पेन से और जिसके अंदर आयरन कॉलम्स थे और जो बनाया गया था कहाँ, बर्मिंघम में. अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं. किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं. मैम ओके ओके नो मैम नो प्रॉब्लम ओके. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम ओके यस मैम ओके. Takeaway points and question answers of the Industrial Revolution, meaning and background.
The term industrial revolution was used by European scholars George Michelet in France and Frederick Engels in Germany. सबसे पहले industrial revolution जो ये term है, ये जो शब्द है, इसका इस्तेमाल किया था European scholars George Michelet France के और Frederick Engels Germany के. इन लोगों ने use किया था सबसे पहले. आप इसके objective type questions भी आ सकते हैं. आपको एक चार options दिए जा सकते हैं, जिसमें पहला दिया जा सकता है George Michelet, फिर second दिया जा सकता है Frederick Engels, और फिर बाद में आपको ये भी दिया जा सकता है बोथ ए एंड बी, और फिर दिया जा सकता है डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. आपको ना तो सिर्फ जॉर्ज मिशलेस जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर मार्क करना है, ना सेकंड पे करना है. आपको जो सी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के द्वारा यूज की गई थी, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह की चीज का आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो. Then it refers to the great change in the field of industries when the production of goods by hand in the houses were replaced with the help of machines and factories. अब ये बताया जाता है, ये बोला जाता है industrial revolution उस समय के लिए जहां पर बहुत सारी industries लगाई गई थी, जो सामान पहले हाथों से बनाया जाता था घरों के अंदर, अब उसको replace कर दिया गया था उस सामान को machines ने, क्योंकि अब वो बनाया जाता था सामान machines की मदद से factories के अंदर. इसीलिए बोला गया था industrial revolution. The transformation of industry and the economy in Britain between the 1780s and the 1850s is called the first industrial revolution. ये जो transformation आया है industry के अंदर और economy के अंदर Britain के अंदर, वो period था 1780 से 1850 का, और इसको बोला गया पहला industrial revolution. It was used for the first time in English by the philosopher and the economist Arnold Toynbee, 1852-1883, to describe the changes that occurred in British industrial development between 1760 and 1820. These dates coincided with those of the reign of George III. अब सबसे पहले अब जो industrial revolution use करी गई थी term, वो तो European लोग यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे उनके द्वारा थी, एक तो फ्रांस का और दूसरा जर्मनी का. जब इंग्लिश लोगों के द्वारा ये यूज की गई है पहली बार, तो वो यूज करी गई थी जो इंग्लिश के फिलोसोफर थे आर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है, उनके द्वारा. और ये इन्होंने यूज करी थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, और ये कोइंसाइड कर रही थी, यानी कि उसी समय किसका राज्य चल रहा था वहां पर, जॉर्ज थर्ड का. ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई थी, और फिर उसके बाद में सबसे पहले इंग्लिश में किसके द्वारा, यानी ब्रिटेन के अंदर किसके द्वारा यूज की गई थी, वो भी ध्यान रखना है. ठीक है, इट रेवोल्यूशनाइज द टेक्निक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. इसके अंदर रेवोल्यूशन हुआ था टेक्निक्स का, ऑर्गेनाइज हुआ था, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी 18th सेंचुरी के एंड में, काफी चीजों का प्रोडक्शन हुआ था. ये फर्स्ट थ्री टू फाइव पॉइंट्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. नो मैम. नो मैम. ओके. नो मैम. अब कॉजेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और वाई ब्रिटेन. पहला है इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से क्या चेंजेस आए थे. There was a remarkable economic growth from 1780s to 1820 in the cotton and the iron industries and the coal mining, in the building of roads and canals and in foreign trade. Ab yahan par bahut zabardast changes aaye the, growth hui thi economic level pe dekha jaye to 1780s se 1820 ke beech mein cotton iron industry set up hui thi, iron aur coal इंडस्ट्रीज जो है वो भी सेट हुई थी, आयरन इंडस्ट्री और कोल माइनिंग शुरू हुई थी, रोड्स बनने लगे थे, कैनल्स बनने लगे थे, और बाकी दूसरे देशों से भी व्यापार जो है बढ़ गया था. पॉलिटिकल चेंजेस आए थे. द सीरीज ऑफ इंसिडेंट अकर्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1760 एंड 1820. दीस डेट्स कोइंसाइडेड विद दोज ऑफ द राइन ऑफ द जॉर्ज थर्ड. यहाँ पर काफी सारे चेंजेस आए थे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण ही आए थे 1760 से 1820, और इसी समय में राइन जॉर्ज थर्ड जो है वो चल रहा था, यानी कि जॉर्ज थर्ड का जो रूल है वो चल रहा था. अब ब्रिटेन ही क्यों, इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th सेंचुरी विद इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की. हमने कई बार पढ़ लिया है कि ब्रिटेन के अंदर ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों देखा गया था, सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पे क्यों देखा गया था, क्योंकि ये एक
स्टेबल देश था, यानी कि ये राजनीतिक तौर पे स्टेबल थी। अब कोई भी देश अगर राजनीतिक तौर पे स्टेबल होता है, जब ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी जो है वो काम नहीं करेगी एक दूसरे के अगेंस्ट में, मतलब नहीं जाएगी और सिंपली सब तरीके से काम करेंगे, तो वो अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो चल नहीं रही थी, यहाँ तो मोनार्की चल रही थी, एक ही राजा था जिसके अंडर सब काम कर रहे थे, तो क्या होता था फिर किसी का विरोध करने का मौका ही नहीं मिलता था, तो सब एक ही उसमें काम करते थे अंडर, तो वो सब मान जाते थे, जब कोई विरोध करने वाला है नहीं तो दिक्कतें आएंगी कहाँ से। तो वो राजनीतिक तौर पर स्टेबल था, और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये सब क्या है, एक ही मोनार्की के अंदर थे, यहाँ पे सबके कॉमन लॉस थे, सिंगल करेंसी थी, मार्केट जो है वहां पर कोई लोकल अथॉरिटीज अपने हिसाब से टैक्स नहीं लगाती थी, तो सब चीजें स्मूथली चल रही थी। दिस मेंट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, अ सिंगल करेंसी एंड अ मार्केट दैट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज। Besides, England had great domestic and international market under its control, which helped in the growth of industrial revolution. अब इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ग्रोथ थी, इसके कंट्रोल में था सब कुछ, ठीक है, इसलिए भी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मदद मिल रही थी। अब बाकी जगहों की कंडीशंस कैसे थी, टाउन्स की कंडीशन कैसी थी, टाउन्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी मेनी टाउन्स इन यूरोप वर ग्रोइंग इन एरिया एंड इन पॉपुलेशन, काफी सारे टाउन्स जो है वो बढ़ रहे थे 18th सेंचुरी के अंदर और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। Population of most of the European cities doubled between 1750 to 1800. A population जो है कई सारी European cities की वो double हो गई थी। Largest of them was London, और सबसे ज़्यादा population बढ़ी थी London की, क्योंकि एक hub की तरह काम कर रहा था ये country market की, यानी कि पूरे country का market hub यही माना जाता था। The next largest ones located close to it, और इसके बाकी आसपास जो चीज़ें थी, यानी कि बाकी शहर जो थे जो जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और मार्केट भी काफी अच्छा फल फूल रहा था, वो इसके आसपास की सिटीज का था, लेकिन लंदन सबसे इम्पोर्टेंट था। लंदन हैड ऑल्सो एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, और तब से ही लंदन जो है वो ग्लोबल लेवल पर इसको सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस मिल चुकी थी, ये फेमस हो चुका था। फाइनेंस, द बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज फाउंडेड इन 1694। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लैंड का बैंक जो है वो, इंग्लैंड का जो फर्स्ट बैंक था वो 1694 में ढूंढा गया था, मतलब एस्टेब्लिश किया गया था। कोल एंड आयरन ओर वर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स, या सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स की तरह देखे जाते थे। अब्राहम डार्बी ने इन्वेंट किया था ब्लास्ट फर्नेस 1709 में, और वर्ल्ड की फर्स्ट आयरन ब्रिज जो है वो बनाया गया था इसी पीरियड में। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, 18th सेंचुरी के बाद में इंग्लैंड जो है वो उसके अंदर काफी इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, और बाद में इन्हीं चेंजेस को एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ भी देखा गया। यहाँ पर बड़े लैंडलॉर्ड जो थे उनको छोटे छोटे उन्होंने स्मॉल फार्म्स अपनी प्रॉपर्टी के अंदर मिला लिए थे, और विलेजेस जो थे उनके कॉमन लैंड भी अपने अंदर मिला लिए थे, और इसी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंदर ही फाउंडेशन डली थी, पूरी तरह नींव डली थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। कैसे डली थी, अब जब बड़े लैंडलॉर्ड्स ने अपने अंदर सारी जमीनों को मिला लिया था और अपने हिसाब से वो चलाने के लिए हो गए थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे जिनके पास में जमीनें नहीं थी, जो गरीब लोग थे जिनके पास काम नहीं बचा था करने के लिए, वो क्या मूव कर रहे थे टाउन की तरफ, शहरों की तरफ। जब वो टाउन की तरफ मूव कर रहे थे तो उन जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उनमें उनको काम कर मिलने लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्कर्स बनने लगे तो इंडस्ट्री सेटअप और बढ़ता गया। इस तरीके से यहाँ पे कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव डली थी, फाउंडेशन उसकी यहीं से डली थी। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, it's clear. No, ma'am, it's clear. Okay. No, ma'am, it's clear. Then geographical basis. No, ma'am. Okay. In the 17th century, Wales and Scotland were unified. 17th सेंचुरी के अंदर वेल्स और स्कॉटलैंड जो है वो यूनिफाइड थे, यानी कि उनमें काफी यूनिटी थी। लंदन वाज द लार्जेस्ट सिटी एज वेल एज अ सिटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड, लंदन सबसे बड़ी सिटी थी और उसको ग्लोबल ट्रेड की तरह भी देखा जाता था, वो शहर जहां पर ग्लोबल लेवल पर व्यापार होता था इंटरनेशनल लेवल पे। इंग्लैंड हैड अ नंबर ऑफ कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, इंग्लैंड की काफी ज्यादा कॉलोनीज थी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर। These helped in obtaining the raw material for industries. इन लोगों ने मदद करी कि ये कच्चा माल जो है इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ से ले सके, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से।
By the 18th century, the center of global trade has shifted from the Mediterranean ports of Italy and France for the to the Atlantic ports of Holland and Britain. 18th century ke aate aate tak, wait a minute. 18th century ke aate aate global trade jo hai wo shift ho gaya tha. Pehle kya hua karta tha 18th century se pehle? मेडिटेरियन पोर्ट्स जो थे इटली और फ्रांस के वहां पर चीजें हुआ करती थी. अब वो किससे शिफ्ट हो गया था? वो शिफ्ट हो गया था अटलांटिक पोर्ट. मेडिटेरियन से अटलांटिक में आ गए थे हॉलैंड और ब्रिटेन के पोर्ट्स पे. अब यहाँ पे ज्यादा व्यापार होने लगा था, ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे ज्यादा फल रहा था. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहे इन सब चीजों के? The onset of the textile industry also helped in the emergence of industrial revolution. Textile industry ke andar kafi zyada inko madad mili hai jisse industrial revolution ko ye acche level par le ja sake. Pehla invention of machines in the cotton industry. Ab textile industry ke andar sabse pehle aati hai cotton industry. Yahan par flying shuttle loom invent ki gayi thi John Kay ke dwara 1733 ke andar. Ye ek revolutionized tarika tha, revolution laya tha is cheez se textile industry ke andar. स्पिनिंग जेनी इन्वेंट हुआ, वाटर फ्रेम इन्वेंट हुआ, द म्यूल हुआ, फिर पार लूम आई. ये सब इन्वेंशन है जिसकी वजह से काफी ज्यादा मदद मिली है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर. फिर है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. अब जब इन्वेस्ट इन्वेंशन हो गए थे अच्छी अच्छी मशीन के तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन भी बढ़ना ही था. तो इंट्रोडक्शन किया गया रेलवेज और कैनल्स का. ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन हुआ रेलवे और कैनल्स का. रेलवेज टुक द इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द सेकंड स्टेज. रेलवे जो है वो सेकंड स्टेज पे लेके गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को. थॉमस सेवरी ने बिल्ड किया मॉडल स्टीम इंजन माइनर्स फ्रेंड करके 1698 के अंदर. फिर अनदर स्टीम इंजन, दूसरा स्टीम इंजन जो है वो बिल्ड किया गया था थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा 1712 के अंदर. द स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड ओनली इन द कोल माइंस अंटिल जेम्स वॉट डेवलप्ड अ परफेक्ट स्टीम इंजन इन 1769 एंड एस्टैब्लिश्ड द सोहो फाउंड्री इन बर्मिंघम. अब दूसरा पहला तो बनाया था थॉमस सेवरी ने माइनर्स फ्रेंड करके, दूसरा बनाया था थॉमस न्यूकॉमन ने. फिर उसके बाद में एक और बनाया गया जो यूज किया जाता था, जो थॉमस न्यूकॉमन ने यूज किया था वो तो था कोल माइंस के अंदर. फिर उसके बाद में जेम्स वॉट ने डेवलप किया एक परफेक्ट स्टीम इंजन 1769 के अंदर, और इन्होंने ही एस्टेब्लिश करी सोहो फाउंड्री बर्मिंघम के अंदर. जेम्स ब्रिंडले बिल्ड द फर्स्ट इंग्लिश कैनल इन 1761. जेम्स ब्रिंडले ने सबसे पहले बनाई थी इंग्लिश कैनल 1761 के अंदर. कैनन मेनिया जो है तब शुरू हुआ था 1788 से 1796 में. पहला स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया था स्टीफनसन रॉकेट के द्वारा, जो नाम है स्टीफनसन रॉकेट, ये हुआ था अपियर 1814 के अंदर. रिचर्ड ट्रेविथिक ने डिवाइस करी एक इंजन बनाया पफिंग डेविल के नाम से 1801. ये एक लोकोमोटिव था जिसको बोला गया द ब्लचर 1814 के अंदर. ठीक है, फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो लगाई गई थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन. याद रखेंगे कि सबसे पहले रेलवे लाइन जो है कौन से शहरों के बीच में लगाई गई थी, वो थे स्टॉकटन से डार्लिंगटन. अब लिटिल रेलवे मेनिया जो है वो शुरू हुआ था 1833 से 37 तक. फिर बिगर रेलवे मेनिया जो है वो शुरू हुआ था 1844 से 1847 के अंदर. इसके भी कई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहे हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें बेसिकली टाइमलाइन की तरह दे रखा है कि कौन सी टाइम में कौन सा इन्वेंशन हुआ है और उसका क्या फायदा रहा है, और पहली बार किसने क्या चीज लगाई, और फिर उसके बाद में सेकंड लाइन किसने क्या चीज लगाई. इज इट क्लियर? यस मैम क्लियर. यस मैम क्लियर. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम. आज हम इतना ही करेंगे. आप इनको पढ़िएगा, वेलकम. आप इन सारी पॉइंट्स को पढ़िए, चैप्टर को वापस से पढ़िए. कोई दिक्कत आए तो अभी भी हमारे पास में टाइम है, हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे. एंड प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. और मैंने जैसा आपको कल बताया था कि किस तरीके से आपको एक पेज पर लिखने हैं इन्वेंशंस और ईयर्स लिखने हैं, उससे एक टाइमलाइन आपके सामने तैयार हो जाएगी और उससे आप अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे. नाम भी मेंशन कर लीजिएगा. ओके थैंक यू मैम. ओके वेलकम स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे.